रिपु सर इंग्लिश क्लासेज में आपका पुनः एक बार स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12 के पार्टिसिपल, इन्फिनिटिव, बेयर इन्फिनिटिव और जीरेंड से किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, उसका पार्ट थर्ड पर हम यहाँ पर पार्ट थर्ड को यहाँ हम देखेंगे। तो आप देखें कि इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसका चार ऑप्शन रहता है, V1, 2+V1, V4 और V3। आप एक चीज करेक्शन कर लेंगे, वो मिस्टेक हो गया था आपका, पार्टिसिपल इन्फिनिटिव, वेयर इन्फिनिटिव, जीरेंड के पार्ट टू में कि वर्ब के थर्ड फॉर्म के नीचे वेंट लिखा गया था, वह गौन होना चाहिए। ऐसे बोले हैं गौन, लेकिन लिखा गया था वेंट, तो आप उसका पार्ट टू में सुधार कर लेंगे, ठीक है। तो इसी चार ऑप्शन में पूछता है कि वर्ब का V1 रूप आएगा, 2+V1, 2+V1 का मतलब समझिएगा इन्फिनिटिव, V1 का मतलब बेयर इन्फिनिटिव, V4 जो है सो जीरेंड में भी आता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल में भी आता है, और वर्ब का थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल, इस फॉर्म में पूछता है। तो उसमें हम 21 क्वेश्चन का चर्चा कर चुके थे, और जो भी क्वेश्चन है वह क्वेश्चन आपको पार्ट वन में इसका क्वेश्चन हम अपलोड कर देंगे, PDF उसका जो है अपलोड कर देंगे, तब उसको आप आराम से हल करेंगे। 22 नंबर में आप देखेंगे कि क्या है, उसमें 22 नंबर में आपका इंजॉय वर्ब का प्रयोग किया गया है, तो इसका हमने एक लिस्ट बना करके पार्ट टू में अपलोड किए थे कि इंजॉय ऐसा वर्ब है जिसके बाद आने वाला वर्ब ING लग के आता है, मतलब V4 रूप में आता है। जैसे ही इंजॉयज स्पीकिंग इंग्लिश, देखिए आपका इंजॉय के बाद आने वाला वर्ब आपका V4 रूप में है। तो कौन कौन ऐसे वर्ब हैं वो पार्ट टू में हमने उसको लिखा है, अवॉइड है, लाइक है, डिटेस्ट है, पोस्टपोन है, सजेस्ट है, प्रपोज है, ये ऐसे वर्ब हैं जिसके बाद आने वाला वर्ब ING लग करके आता है। तेईस क्वेश्चन में है कि जब एक कार समाप्त होने के बाद, एक कार समाप्त हो गया, दूसरा कार्य कुछ ठहराव के बाद शुरू हुआ हो, कुछ ठहराव के बाद शुरू हुआ हो, तो कर धातु वाले क्रिया के लिए हैविंग प्लस V3 का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए, खाकर वह स्कूल गया, मतलब खा लिया, और खाने के बाद स्कूल गया, तो खाने और स्कूल जाने के बीच में कुछ ठहराव जरूर है। तो वैसे वाक्य में आपको खाली स्थान में देगा चार ऑप्शन में, पहला देगा हैव, फिर देगा टू हैव, फिर देगा हैविंग, फिर देगा हैड। तो इसका मतलब कि यहाँ पर बता दिए हैं कि जब एक कार्य समाप्त होने के बाद दूसरा कार्य कुछ ठहराव के बाद शुरू हो, तो कर धातु वाले क्रिया के लिए हैविंग प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो कर लगा हुआ है, देखिए खाना में खाकर कर धातु लगा हुआ है, तो इसका अनुवाद हम बनाएंगे हैविंग प्लस V3 से। तो खाकर हैविंग ईटन, वह स्कूल गया, पास्ट निफिट में है, ही वेंट टू स्कूल। 24 में देखिए, वाक्य में वर्ब यदि सब्जेक्ट के रूप में हो, यदि वर्ब ही सब्जेक्ट के रूप में आ रहा है, तो वह दो रूप में रह सकता है, या तो 2+V1 इन्फिनिटिव इसको कहते हैं, या V4 मतलब वर्ब में ING। जैसे कहते हैं कि सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो देखिए सब्जेक्ट के रूप में स्मोकिंग भी लिख सकते हैं, या टू स्मोक भी लिख सकते हैं, इज इंजूरियस टू हेल्थ। तो यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में आया है स्मोकिंग, तो सब्जेक्ट के रूप में दो रूप में रह सकता है,
या तो ing लग करके या तो 2+V1 लग करके। 25 में देखें, यदि डेरंट है, डेयर का निगेटिव दो तरह से होता है, या तो डेरंट कीजिए, चाहे हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब लगा करके जब उसका प्रयोग करते हैं, तो यदि डेरंट है तो V1 आएगा। जैसे ही डेरंट स्पीक इन इंग्लिश, तो आप देख रहे हैं कि डेरंट के बाद V1 आ रहा है, डेरंट के बाद V1। लेकिन डेयर के पहले कोई हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब आ जाए तब उसके बाद 2+V1 आता है। जैसे ही डज नॉट डेयर टू कम हियर, अब देखिए डू नॉट डज नॉट हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ है, तो डेयर के बाद आपका आ रहा है इन्फिनिटिव रूप में, मतलब इन्फिनिटिव मतलब 2+V1 रूप में। अब वही डेयर यदि इंट्रोगेटिव के रूप में डेयर ही पहले आ जाए तो इंट्रोगेटिव में भी इसके साथ V1 आता है। जैसे डेयर ही स्पीक V1 रूप में आया, क्योंकि इंट्रोगेटिव में डेयर ही पहले आया है, तो इंट्रोगेटिव के रूप में डेयर आगे आए तो उसके बाद सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद V1। डेयर का मतलब होता है साहस करना, तो डेयर ही स्पीक इन इंग्लिश। यदि WH के बाद डेयर है, WH के साथ तुरंत डेयर आ गया, तब सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। जैसे हाउ डेयर ही कम हियर, देखिए कम आया, लेकिन WH के साथ हेल्पिंग वर्ब आ जाए या मॉडल वर्ब आ जाए और उसके बाद डेयर आए, तो देखिए कि हेल्पिंग मॉडल रहने पर डेयर के साथ 2+V1। अब जैसे रहेगा कि डज ही डेयर, डज निकला हेल्पिंग वर्ब आ गए, डज ही डेयर, तब लिखेंगे 2 speak English 2+V1। लेकिन डेयर ही आगे निकलेगा इंट्रोगेटिव में तो सिर्फ V1। WH में देखें हाउ डज ही डेयर, डज निकल गया है हेल्पिंग वर्ब, हाउ डज ही डेयर, तब आने वाला वर्ब 2+V1। जैसे हाउ डज, डज निकला हुआ है, हाउ डज ही डेयर टू स्पीक इंग्लिश। तो इसको याद रखेंगे कि डेयर ही, डेयर निगेटिव रूप में रहे, डेयर इंट्रोगेटिव, या WH के साथ डेयर आए तो आने वाला वर्ब V1, लेकिन उसके पहले हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब आ जाए तो डेयर के बाद 2+V1। ये था आपका 25 नंबर का। 26 में नीड आया है, बिल्कुल सेम प्रयोग है जैसे आपका डेयर के किए। जैसे नीड का मतलब जरूरत होना या आवश्यकता होना। अब नीड में ही नॉट लगा है तो नीडंट, जैसे डेरंट था तो V1, तो नीडंट था भी तो V1। जैसे यू नीडंट गो, टू गो गलत हो जाएगा, यू नीडंट गो देयर। दूसरा में देखिए हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब के बाद नीड आया, जो सेम आया था हेल्पिंग वर्ब प्लस मॉडल के साथ डेयर तो 2+V1, उसी तरह से हेल्पिंग मॉडल के बाद जब नीड आएगा तो 2+V1। जैसे ही डज नॉट नीड टू गो देयर, देखिए इसके पहले हेल्पिंग वर्ब आ गया, या ही कैनॉट, ही कांट नीड, मॉडल वर्ब भी आएगा या हेल्पिंग वर्ब आएगा, तब नीड के बाद 2+V1। दोनों का सेम प्रयोग देखिएगा, अगर डेयर इंट्रोगेटिव के रूप में था तो V1, तो नीड भी इंट्रोगेटिव के रूप में है तो V1। जैसे नीड ही लर्न इंग्लिश, नीड ही लर्न इंग्लिश, इंट्रोगेटिव रूप में जब आता है नीड या डेयर तो सिर्फ डेयर रहेगा, डेयर्स नहीं आएगा इंट्रोगेटिव में। उसी तरह से नीड भी इंट्रोगेटिव के रूप में आगे आएगा, नीड्स नहीं आएगा, सिर्फ नीड ही आएगा। WH के बाद देखिए नीड आ गया डायरेक्ट, तो सब्जेक्ट के बाद V1, वही चीज में भी था, WH के बाद डेयर तो सब्जेक्ट के बाद V1, एकदम दोनों का सेम प्रयोग है। लेकिन यही WH के बाद हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब आ जाएगा, तो याद रखिएगा हेल्पिंग या मॉडल रहेगा तो नीड के बाद 2+V1। लेकिन या WH के बाद डायरेक्ट नीड या WH के बाद डायरेक्ट डेयर तो सब्जेक्ट के बाद V1, दोनों में आया है। इसे हाउ नीड ही गो देयर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 27 में, ये पढ़ा चुके हैं। 27 क्वेश्चन में आपका है सी हियर और वॉच, इन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, और इसमें ऑब्जेक्ट के बाद V1 भी आ सकता है और V4 भी आ सकता है।
तो जैसे आई सॉ या आई हर्ड हिम सिंग भी सही रह सकता है, सिंगिंग भी सही हो सकता है, अर्थ में अंतर है। अगर भीवन आता है तो कार्य के समाप्ति पूरा, और सिंगिंग भीफोर यदि है तो कार्य के जारी रहने का बोध। यहां पर इसको समझ ले, जैसे आई सॉ या हर्ड हिम सिंग, मैंने उसे गाते हुए देखा या सुना, मतलब वह गाल या स्टार्ट किया और खत्म किया तब तक हम सुने या देखे उसको, तो यहां पर गाने का कार्य पूरा हो गया है। लेकिन सिंगिंग रहेगा भी फोर, तो इसका मतलब होगा कि गाने का कार्य उसका जारी था, समाप्त नहीं हुआ था। इसमें याद रखेंगे सी हियर वाच और ऑब्जेक्ट के बाद इसका दोनों आंसर हो सकता है, भीवन या भीफोर। तो भीवन से कार्य के समाप्ति का बोध कराएगा और भीफोर से कार्य के जारी रहने का बोध कराएगा। 28 में भी पढ़ा चुके हैं, आपका फर्स्ट पार्ट में ही दिए हैं कि मेक का प्रयोग यदि पैसिव वॉइस में कीजिएगा तो इसके बाद 2+ भीवन आएगा। जैसे आई वॉज मेड, देखिए पैसिव में है, पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव में, पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव में वॉज वेर लगता है, तो आई वॉज मेड टू अंडरस्टैंड पैसिव में आया है, तो इसके बाद इंफिनिटिव आया है, 2+ भीवन। 29 में देखिएगा, ये खास कुछ वर्ब है इसको याद रखना है, प्रॉमिस, ट्राई, डिसाइड, वांट, थ्रिएटन, थ्रिएटन मतलब धमकी देना, अटेम्प्ट, अटेम्प्ट का मतलब विफल प्रयास करना, ऐसा प्रयास करना जिसमें सफलता नहीं मिलेगा, बेग गिड़गिड़ाना, बिगिन शुरू करना, कंटिन्यू प्लान, प्लान मतलब योजना बनाना, प्रिटेंड बहाना करना, मैनेज प्रबंध करना, ऑफर कोई चीज देना। इसके बाद जो वर्ब आवेगा, इसके बाद इन वर्ब्स के बाद जब कोई वर्ब आवेगा तो वह 2+ भीवन रूप में होगा। जैसे ही प्रोमिस्ड टू हेल्प यू, ही प्रोमिस्ड टू हेल्प यू, उसी तरह से यू शुड ट्राई टू स्पीक इंग्लिश, ही डिसाइडेड टू रिटर्न होम। तो इस वर्ब के बाद क्या देख रहे हैं, जब दूसरा वर्ब आ रहा है तो वह 2+ भीवन रूप में आ रहा है, आई वॉन्ट टू स्टे हियर, ठीक है। ही थ्रिएटेंड, पास्ट में कीजिएगा तो ईडी लग जाएगा, उसने धमकी दिया, ही थ्रिएटेंड टू किल मी, टू किल, उसने मुझे जान से मारने की धमकी दी। 30वां नंबर आपका क्वेश्चन में है, तो उसमें देखिएगा कि लिखा हुआ है आई एम ग्लैड, खाली स्थान और यू, तो यह टू मीट किस रूप में आएगा इसको पूछ रहा है। तो ये रूल क्या है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आई आ गया, टू बी वर्ब एम हो गया, एडजेक्टिव ग्लैड हो गया, तो याद रखना है कि सब्जेक्ट प्लस टू बी वर्ब प्लस एडजेक्टिव के बाद आने वाला वर्ब 2+ भीवन रूप में आता है, 2+ भीवन रूप में आता है। एक और एग्जाम्पल है, दिस बॉक्स सब्जेक्ट हो गया, इज टू बी वर्ब, हैव ही एडजेक्टिव आ गया, तो इसके बाद 2+ भी वन, टू लिफ्ट, यह बक्सा भारी है उठाने में, दिस बॉक्स इज हैवी टू लिफ्ट। आई एम हैप्पी, आई सब्जेक्ट हो गया, आई एम टू बी वर्ब हो गया, हैप्पी एडजेक्टिव हो गया, टू मीट यू, तो उसके बाद जो वर्ब आ रहा है वह 2+ भी वन रूप में आएगा। तो यह स्ट्रक्चर याद रखें कि सब्जेक्ट प्लस टू बी वर्ब प्लस एडजेक्टिव के बाद आने वाला वर्ब 2+ भीवन रूप में आता है। 31 में है, 2+ एडजेक्टिव या एडवर्ब के बाद आने वाला वर्ब 2+ भीवन रूप में, यह रिमूव टू का क्वेश्चन है, रिमूव टू, जैसे ही इज टू फैट तब लिखेंगे टू रन फास्ट, ही वॉक्ड टू स्लोली, देखिए इसमें एडवर्ब आया है, स्लोली एडवर्ब है, टू मिस द ट्रेन। तो इसमें एक बात याद रखें कि 2+ एडजेक्टिव रहे या 2+ एडवर्ब रहे, तो जो इसके बाद 2+ भीवन जो आ रहा है उसका अर्थ निगेटिव होता है।
तो ये जो 2+V1 आ रहा है इसका अर्थ निगेटिव हो जाता है, किसके वजह से, यह जो 2 के बाद एडजेक्टिव या एडवर्ब आता है इसके वजह से। तो इसका हिंदी देख लें, 2 का मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा या इतना ज्यादा। तो वह इतना ज्यादा मोटा है कि वह तेजी से दौड़ नहीं सकता है, निगेटिव अर्थ हुआ। ही वॉक टू स्लोली, वह इतना धीरे धीरे चला, टू मिस द बस, कि उसका बस जो है सो छूट गया। तो इसका मतलब कि 2+ एडजेक्टिव आए या एडवर्ब आए तो इसके बाद आने वाला वर्ब 2+V1 रूप में होगा और इसका अर्थ निगेटिव होता है, ठीक है। यदि वाक में एनफ का प्रयोग हो, आप देखेंगे वाक में जैसे ही एनफ का प्रयोग मिलेगा तो बिल्कुल समझिएगा कि इसके बाद आने वाला वर्ब 2+V1 रूप में ही होगा। जैसे ही हैज एनफ मनी टू बाई ए कार, देखिए टू बाई आया है, टू बाई ए कार, एनफ लगा हुआ है। तो वाक में जब भी एनफ लगा हुआ रहेगा तो इसके बाद आने वाला वर्ब 2+V1 रूप में होगा। सी इज इंटेलिजेंट एनफ, देखिए एनफ लगा हुआ है, तो टू सॉल्व दिस क्वेश्चन वर्ब किस रूप में आया, 2+V1 रूप में आया। तो यदि वाक में एनफ हो तो उसके साथ आने वाले वाक जो आते हैं, वर्ब जो आते हैं 2+ एडजेक्टिव या 2+ एडवर्ब के बाद आने वाला वाक्य 2+V1 रूप में, और यदि वाक्य में एनफ लगा हुआ हो तो उसके बाद भी आने वाला वर्ब 2+V1 रूप में आते हैं। यहां पर एक नोट में हम बता रहे हैं, उसको आप देखेंगे, यदि प्रीपोजिशन बाद ऑब्जेक्ट आया हो, प्रीपोजिशन लगा हुआ है उसके बाद ऑब्जेक्ट है, इसके बाद आपको वर्ब पूछेगा कि प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट के बाद वर्ब किस रूप में, तो याद रखिएगा प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट के बाद वर्ब हमेशा 2+V1 रूप में आएंगे। अब एग्जांपल देखें, दिस बॉक्स इज हैवी फॉर मी, देखिए आपका आ गया प्रीपोजिशन फॉर मी, आपका आ गया आप ऑब्जेक्ट। अब इसके बाद खाली स्थान देता है तो पिछला देखिए प्रयोग क्या है, प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट है, फॉर मी, फॉर आपका प्रीपोजिशन हुआ, मी ऑब्जेक्ट है, तो इसके बाद आने वाला वर्ब 2+V1 होगा। तो आंसर क्या होगा, दिस बॉक्स इज हैवी फॉर मी टू लिफ्ट, यह बक्सा मेरे लिए भारी है उठाने में, इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखें, इट इज के साथ सो नाइस पढ़ा चुके हैं, नो गुड, नॉट एनी गुड, नो यूज, नॉट एनी यूज या फुलिश के बाद आने वाला वर्ब आईएनजी लगकर आएगा। जैसे इट इज नो गुड स्टेइंग हियर, अगर यहां पर टू स्टे हियर लिखेंगे तो गलत। तो क्या आपको याद रखना है, इट इज के साथ सो नाइस, नो गुड, नॉट एनी गुड, नो यूज, नॉट एनी यूज और फुलिश, फुलिश मीन्स मूर्ख, इसके बाद वर्ब आपका आईएनजी लगकर आएगा। तो सो नाइस मतलब होता है बहुत अच्छा, जैसे यहां ठहरना बहुत अच्छा है तो इट इज सो नाइस स्टेइंग हियर, और नो गुड या नॉट एनी गुड, नो यूज या नॉट एनी यूज, ये चारों का मतलब, नो गुड, नॉट एनी गुड, नो यूज, नॉट एनी यूज, इन चारों का मतलब होता है अच्छा नहीं है। जैसे यहां ठहरना अच्छा नहीं है, इट इज नो गुड स्टेइंग हियर,
तो यहाँ पर नो गुड के जगह अपन लिख सकते हैं नॉट एनी गुड भी लिख सकते हैं, नो यूज भी लिख सकते हैं, नॉट एनी यूज भी लिख सकते हैं। इन चारों का मतलब होता है कोई काम करना अच्छा नहीं है। इट इज फुलिश गोइंग देयर, वहां जाना मूर्खता है। इट इज फुलिश टॉकिंग टू हिम, उससे बातचीत करना मूर्खता है। तो इट इज फुलिश के बाद भी आने वाला वर्ब आईएनजी लग करके आता है। जब वर्ब का प्रयोग कंप्लीमेंट के रूप में हो तो उसके बाद वर्ब में आईएनजी लग के आता है, बिफोर रूप में आता है। तो कंप्लीमेंट का मतलब समझें, कंप्लीमेंट का मतलब जो वाक्य के अर्थ को पूरा करे। अब जैसे लिखा हुआ है माय हॉबी इज, तो यह तो वाक्य पूरा नहीं हो गया, माय हॉबी इज। अब टीचिंग आया तो इसने क्या किया, टीचिंग ने इस वाक्य के अर्थ को पूरा किया। तो कंप्लीमेंट का काम क्या है, जो वाक्य है उसके अर्थ को वह पूरा करता है। जैसे ही इज ए डॉक्टर, अगर डॉक्टर नहीं देंगे तो वाक्य का अर्थ पूरा होगा, ही इज ए पूरा नहीं हुआ। डॉक्टर लिखेंगे तब वह वाक्य अर्थ को पूरा किया। तो इस वाक्य में डॉक्टर कंप्लीमेंट है जो आ करके वाक्य में उसके अर्थ को पूरा किया, ठीक है। तो यहां पर आपका टीचिंग कंप्लीमेंट के रूप में है। तो कहता है का जब वर्ब का प्रयोग कंप्लीमेंट के रूप में हो तो वह कंप्लीमेंट किस रूप में आएगा, वर्ब में आईएनजी लग करके, ठीक है। आगे देखें, नाउन का प्रयोग पजेसिव एडजेक्टिव के रूप में हो, नाउन का प्रयोग पजेसिव एडजेक्टिव के रूप में, तो इसके साथ इसके बाद भी फोर। तो नाउन का पजेसिव एडजेक्टिव कैसे बनाते हैं, एपोस्ट्रॉफी एस लगा करके। जैसे राम में एपोस्ट्रॉफी एस लग गया, राम्स बुक, राम की किताब, ठीक है। माय फादर्स पेन, तो यहां पर नाउन फादर है, एपोस्ट्रॉफी एस लगाए, तो इसका मतलब कि नाउन में एपोस्ट्रॉफी एस लगा करके उसको हम बनाते हैं पजेसिव एडजेक्टिव बनाते हैं। तो नाउन का प्रयोग पजेसिव एडजेक्टिव के रूप में रहे तो उसके बाद भी फोर। जैसे आई डोंट वांट राम्स, यहाँ पर व्यक्ति के नाम में एपोस्ट्रॉफी एस लगा, इसी को कहेंगे कि नाउन का प्रयोग पजेसिव एडजेक्टिव के रूप में। तो व्यक्ति में एपोस्ट्रॉफी एस लगा करके नाउन को पजेसिव एडजेक्टिव कैसे बनाते हैं, एपोस्ट्रॉफी एस लगा करके। तो आई डोंट वांट राम्स, यहाँ पर राम्स पजेसिव एडजेक्टिव आया, तो देखिए प्लेइंग हियर, तो पजेसिव एडजेक्टिव के बाद भर में आईएनजी, ये बता चुके हैं। जिसे आई का पजेसिव एडजेक्टिव माय, ही का हिज, सी का हर, दे का दियर, वी का आवर, यू का योर, यह प्रोनाउन का पजेसिव एडजेक्टिव हुआ। और नाउन का कैसे बनाते हैं पजेसिव एडजेक्टिव, एपोस्ट्रॉफी एस लगा करके। तो दोनों स्थिति में यहां पर माय भी रहता तो प्लेइंग हियर लिखते, राम्स है, मोहनस है, राधाज है, सीताज, ये पजेसिव एडजेक्टिव बना एपोस्ट्रॉफी एस लगा करके। तो इसके बाद आने वाला वर्ब आईएनजी लग करके आता है। यदि देखिए दी और ऑफ के बीच में यदि वर्ब देना है, दी और ऑफ के बीच में, तो वह वर्ब आईएनजी लग करके आएगा। जैसे द रनिंग ऑफ ए स्कूल, तो देखिए द रनिंग ऑफ, तो द और ऑफ के बीच में आईएनजी किया। द बार्किंग ऑफ ए डॉग, तो देखिए द और ऑफ के बीच में बार्किंग आईएनजी लगा करके लाए। द टीचिंग ऑफ इंग्लिश, द और ऑफ के बीच में टीचिंग भी फोर आया। द फॉलिंग ऑफ ए ट्री, द और ऑफ के बीच में फॉल में आईएनजी लगा करके ला रहे हैं फॉलिंग। तो इसका मतलब ये ओके समझ लीजिए, द रनिंग ऑफ ए स्कूल मतलब स्कूल चलाना, कोई काम करना। तो द बार्किंग ऑफ ए डॉग, किसी कुत्ते का भूकना। द टीचिंग ऑफ इंग्लिश, अंग्रेजी पढ़ाना। द फॉलिंग ऑफ ए ट्री, किसी पेड़ का गिरना, यह इसका हिंदी होता है। तो इसमें याद रखेंगे कि द और ऑफ
द और ऑफ के बीच में यदि वर्ब आ रहा है तो वह वर्ब आईएनजी लग कर करके आता है। तो इस तरह से आपका क्लास 12 के लिए पार्टिसिपल इन्फिनिटिव बेयर इन्फिनिटिव जीरेंड का यह पार्ट थर्ड था और मैंने इसमें क्वेश्चन 35, 36 क्वेश्चन को मैंने हल किया। आशा करते हैं कि आप के लिए यह वीडियो एक नई सोच आपको पैदा करे, कुछ शब्द स्ट्रक्चर को आप समझें, कुछ वर्ब्स के प्रयोग को समझें कि किसका कैसे प्रयोग होता है। तो यह आपके लिए बहुत उपयोगी यह चैप्टर है और जहाँ पर कोई तरह का दिक्कत हो तो आप मेरे व्हाट्सएप पर जो आपको नंबर दिए हैं उस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपने प्रॉब्लम को भेज सकते हैं। धन्यवाद।